जय हिंद, जय गेलवे। दोस्तों, मैं आज आपको तीन बातें बताने वाला हूं और बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि संघर्ष की दुनिया में आप सभी लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हर इंसान की जीवन की जब शुरुआत होती है वो संघर्ष करता है दोस्तों, और शुरुआत जब संघर्ष हो तो फिर आपको उस संघर्ष में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है, अनेक प्रकार का होता है। रिजेक्शन के रूप में, नाकामयाबी के रूप में, पैसे ना होने के रूप में, हार्ड वर्क करने के रूप में, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो संघर्ष की दुनिया में आपको मिलता है। कभी भी आप इस संघर्ष से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी कामयाबी के तले दब जाती है तब जब आप कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। जब तक कामयाब नहीं बनते हैं तब तक ये सारी संघर्ष आपको दबाने की कोशिश करता है, और जो दब गया वो कभी जीवन में कामयाबी को अचीव नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आप संघर्ष की दुनिया में हैं, कभी भी परेशान मत होइएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। दूसरी बात, हर इंसान के पास जीवन में एक कला होता है, हुनर क्वालिटी होता है दोस्तों, आप उस क्वालिटी को पहचानिए। अब आपके पास क्या क्वालिटी है? आप बोलना अच्छा जानते हैं, समझाना अच्छा जानते हैं, समझना अच्छा जानते हैं, ट्रेनिंग लेना अच्छा जानते हैं, ट्रेनिंग देना अच्छा जानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में रहना जानते हैं। आप हर हालत में अपने आप को आगे बढ़ने को देखते हैं, हर जीवन की हर मोड़ पे आपको अपनी कामयाबी दिखता है, हर दुख में सुख में आपको अपनी लक्ष्य नज़र आता है। ये आपके अंदर एक कला है दोस्तों। तो हर इंसान के जीवन में, हर इंसान अपने जीवन में एक कला तो होता है दोस्तों, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, हर किसी के पास है। किसी के पास है लगातार प्रयास करना, ये भी एक कला है। धैर्य रखना, ये भी एक कला है। तो जीवन में जब आप संघर्ष की दुनिया में से बाहर निकलेंगे तो एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि आपकी कला क्या है, आपकी कला क्या है। इसमें से जितनी मैंने बातें बताई कि आप पॉजिटिव रहना जानते हैं, लगातार संघर्ष करना जानते हैं, या फिर आप अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छा ट्रेनिंग लेना जानते हैं, ट्रेनिंग देना जानते हैं, अच्छी बातें करना जानते हैं, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना जानते हैं, या फिर आपको कामयाबी का जुनून है आपके अंदर, ये क्या है दोस्तों? कला। और इस कला को आपको पकड़ना है और उस कला पे आपको काम करना है, अपनी क्वालिटी पे काम करना है। जो आपकी क्वालिटी है उस पर काम कीजिए, आपको सफलता निश्चिंत है मिलके रहेगी। तीसरी बात, जीवन में कभी भी आप किसी को हीरो मत बनाइए। ये मेरे लिए, ये इंसान हीरो है, ये DDGD हीरो है, वो कंपनी का लीडर मेरे लिए हीरो था। अरे भाई, इंसान है, कभी किसी इंसान को अगर आपने हीरो बनाया और उन्होंने किसी लालच में कोई और काम को शुरू कर लिया और कंपनी में चला गया, तो आपको लगता है यार मेरा हीरो जिधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, तो आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे। किसी हीरो के पीछे भागेंगे तो कभी कोई हीरो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर हीरो आप ही के तरह जीरो था, तो आप भी जीरो हैं। तो फिर आप दूसरों को क्यों हीरो बना रहे हैं? खुद को हीरो ढूंढिए, अपने अंदर हीरो ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए कि मेरे अंदर भी कला जो है, मुझे वो कला, मेरी कला मुझे हीरो बनाएगी। तो दोस्तों, अपनी कला पर काम कीजिए, आप किसी को आइडियल मत बनाइए, खुद आइडियल बनिए, खुद हीरो बनिए। कोई लीडर आपके लिए हीरो नहीं होना चाहिए। अरे फलां लीडर चला गया, फलां लीडर तो मेरे लिए हीरो था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे बड़े सारे लोगों को देखा कि उसके हीरो, उसके आइडियल कोई दूसरी कंपनी चला गया, छोटी मोटी कंपनी में वो उसके पीछे चल जाते हैं। अरे भाई, वो इंसान आपको कामयाब नहीं बनाएगा। आप कामयाब अपने दम पर बनेंगे, अपनी वजह से बनेंगे। कोई किसी को कामयाब नहीं बनाता है। मैं आपको कामयाब नहीं बना सकता, ना मुझे कोई कामयाब बना सकता है। कामयाब हमें खुद बनना होगा और कामयाब आपको भी खुद बनना होगा दोस्तों, अगर जीवन में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं जैसे देश आज़ाद हुआ वैसे मैं भी अपनी ज़िंदगी को आज़ाद बना के रखूं, तो आप हमारे साथ, हमारी गेलवे कंपनी के साथ आप जुड़े रहिए। कौन किधर जाता है,
कौन क्या करता है, कौन ग्लेस का जीरडी इधर से उधर चला गया, जाने दो रे भाई। वो उनकी सोच है, उसे कुछ अच्छा दिखा होगा उधर, या उसे कुछ लालच मिला होगा, या उसको कुछ शॉर्टकट दिख रहा होगा अमीर बनने का, तो चला गया होगा। हमारे यहाँ कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं है, हमारे यहाँ भाई लॉन्ग टाइम है, लाइफ टाइम का काम है। क्योंकि आप अगर जिस दिन गेलवे को समझ जाओगे, जिस दिन हमारा गेलवे का प्रोडक्ट के बारे में जान जाओगे, प्लान के बारे में जान जाओगे, हमारे डायरेक्टर के बारे में जान जाओगे, कभी भी आप गेलवे छोड़ने की बात नहीं करोगे। और जितने लोग गेलवे छोड़ा है, जो गेलवे को क्विट करके बाहर गया है कोई कंपनी में, वह आज भी हमारे ट्रेनिंग को ले रहा है और सुन रहा है दोस्तों। तो आप गेलवे के साथ लगे रहिए, डटे रहिए।